एक कोई वीडियो चल रही है, प्रसारित हो रही है, थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं, दबाव में करवाया। अरे दबाव में कोई मर्डर का केस थोड़ी ना है कि पहले कोई दबाव दे दे जाकर के दर्ज करवा दो। ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दर्ज चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर में संग्रहित हैं। निर्देश है कि भाई इसके द्वारा अपराध किया गया है, इस प्रकार का इनके द्वारा, जाहिर सी है बात है कि उसको ले जाकर के FIR दर्ज करो। ये तो निर्देश है, इसको किसी प्रकार के दबाव देने वाली बात की बात कहना बेकार हो गई है। क्या दबाव देकर कराई गई थी आजम खान पर FIR? क्या आजम खान से निजी दुश्मनी कर रहे थे तत्कालीन DM? ऐसे ज्वलंत सवालों के जवाब दिए अदालत में सरकार की पैरवी करने वाले संयुक्त निर्देशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण में रामपुर की MP MLA मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट से 3 वर्ष की सजा सुनाए जाने और फिर रामपुर की MP MLA सेशन कोर्ट से बरी किए जाने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही जिले में निचली अदालत से सजा और फिर सत्र न्यायालय से बरी हो जाना मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। तरह तरह की खबरें हैं, कई जगह दावा किया जा रहा है कि FIR कराने वाले अधिकारी ने अदालत में दिए गए बयान में जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में FIR कराना बताया था, तो किसी जगह ये दावा भी किया जा रहा है कि FIR कराने वाले मुद्दई ने केस वापस ले लिया। ऐसे ही ज्वलंत सवाल जब दोनों अदालतों में सरकार की पैरवी करने वाले ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन शिव प्रकाश पांडे से किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप उन्हीं की जुबान। देखिए, आजम खान को 27 अक्टूबर 2022 को भड़काऊ भाषण वाले मामले में सजा हुई थी। उसमें न्यायालय ने साक्ष्यों का संपूर्ण और समग्र रूप से मूल्यांकन किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा जो दलीलें दी गई थी, जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, सब पर और न्यायालय ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो 165 एविडेंस एक्ट के तहत स्वयं भी मंगाया था, सबको समग्रता के साथ देखा था, सुना था, और देखने सुनने के पश्चात विरोधी पक्षकार द्वारा इस पर उस समय कोई टिप्पणी भी नहीं की गई थी, न किसी प्रकार का विरोध किया गया था। तो संपूर्ण साक्ष्यों की समग्रता एवं संपूर्णता के दृष्टिगत न्यायालय ने वो कन्विक्शन का आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ बचाव पक्ष द्वारा MP MLA सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की गई और उस अपील में दोनों पक्षों की बहस हुई। बहस के उपरांत कल निर्णय आया कि अपील को स्वीकार करके और जो दोष मुक्ति का आदेश पारित किया जाता है, तो ये जो दोष मुक्ति का आदेश अपीलेट कोर्ट द्वारा दिया गया है, वो आदेश साक्ष्यों का टुकड़ों में विश्लेषण करके दिया गया है। मेरा मानना यह है कि साक्ष्यों का समग्रतापूर्वक और संपूर्ण रूप से विवेचन करना चाहिए और टुकड़ों में नहीं, क्योंकि टुकड़ों में विवेचन करने पर उसकी पूरी स्थिति, परिस्थिति और तमाम चीज़ें दरकिनार हो जाती हैं। और ये भी प्रथम दृष्टया पाया गया है अवलोकन करने पर कि जो तथ्य अभियोजन की तरफ से लिखित रूप से भी प्रस्तुत किए गए थे और जो न्यायालय को निवेदित भी किए गए थे, उसमें तमाम चीज़ों का अभाव है। तो इस तरह से ये निर्णय दोष मुक्ति का जो है वो तकनीकी आधार पर आधारित होकर कई चीज़ों का इसमें प्रथम दृष्टया अभी अभाव दिखता है, जिसके खिलाफ जो है माननीय उच्च न्यायालय में इस सरकार की तरफ से इसकी अपील प्रस्तावित की जाएगी और वहाँ अपील की कार्यवाही में सारी चीज़ों को पूरे विश्लेषण के साथ माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की नज़ीरों के साथ उसमें उल्लिखित करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो सजा हुई थी उसको यहाँ उलट दिया गया, लेकिन यहीं इसका उपचार नहीं समाप्त हो जाता है। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार में पूरे जोर के साथ, पूरे मजबूती के साथ अपील प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत किया जाएगा। मुकदमे के दौरान जैसे FIR करता है, ये कहा गया उन्होंने अपने बहस में या क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये बात कही कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने दबाव देकर FIR लिखाई थी, इस पर क्या कहा? नहीं, ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि अगर उस समय की परिस्थिति को देखें तो जिला मजिस्ट्रेट, चूँकि लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका उस समय चुनाव आयोग के निर्देशन में जिला निर्वाचन अधिकारी की होती है और संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और उसके अधीन काम करना, उनके निर्देशों के अधीन ही काम करना होता है। स्वयं का विवेक नहीं, जो निर्देश होता है उसी के अनुसार काम करना होता है। अब ये मसला जो था 7/4/2019 का, जो खाता नगलिया में इनके द्वारा जो भाषण दिए गए थे, और भाषण बड़े विस्तृत दिए गए थे, बीच में कुछ तथ्यों को उठाते थे, बीच में फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग भाषण में कर देते थे
कि जो कि बिल्कुल अनर्गल और किसी के खिलाफ टिप्पणी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि ये अपने आप में एक संस्था हैं और उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी ऐसे समय पर करना जो कि कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जो कि हेट की परिभाषा में आता है, और अमीश देवगन वाले मामले में ये भी कहा गया था कि ऐसे पर्सन इन इन्फ्लुएंस द्वारा अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों पर असर डालेगा, और जब लोगों पर असर डालेगा तो प्रथम दृष्टया लोक प्रशांति भी भंग होगी और जो आचार संहिता के जो मानक हैं, जो प्रावधान हैं, उसका भी उल्लंघन होगा। इसी के तहत FIR दर्ज हुई थी और उस दिनांक को वीडियो बनाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश के अनुक्रम में वीडियो निगरानी टीम गठित की गई थी। वीडियो निगरानी टीम वो होती है जो जहां सभा स्थल होता है वहां जाकर के जो भाषण होते हैं उनको रिकॉर्ड करती है, उसको रिकॉर्ड करके एक वीडियो अवलोकन टीम प्रभारी होते हैं जो प्रत्येक विधानसभा वार होते हैं और वो एक स्थान पर NIC में बैठते हैं, उनको ला करके देती है और दे करके उसके द्वारा जो उसको अवलोकन करके उनको जो कंप्यूटर जो रहता है उस कंप्यूटर में वो जो सारे डाटास जो रहते हैं वो इनपुट आ जाते हैं और फिर वीडियो कैमरा जो है उनको वापस कर दिया जाता है ताकि वो अगले दिन जा करके अपनी और कार्यवाही पूरे करें। लंबा प्रोसेस होता है चुनाव का, तो इसमें जो है एक इतनी सक्षमता एक कैमरे की नहीं होती है कि सारा रिजर्व कर सकें उसमें, इस नाते उसको जो डाटाज को जो कंप्यूटर होता है विधानसभा वाइज उसमें वो दाखिल किया जाता है, उसमें डाला गया, उस समय डाला भी गया था। 7/4/11 को जो भाषण दिया गया था उसका डाटा 7/4/11 को ही रात में कंप्यूटर में डाल दिया गया, और इसकी FIR एक दो दिन बाद हुई। तो पहले तो कंप्यूटर में डाला जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको देखने के बाद RO को बताया जाएगा, RO ऊपर के अधिकारी जाहिर सी बात है जिला निर्वाचन अधिकारी को भी बताएंगे, स्वयं भी उसका कॉग्निजेंस लेंगे। जब बताएंगे तो अगर अधिकारी को लगेगा कि चुनाव आयोग के निर्देशन में वास्तव में कोई आपराधिक भाषण दिया गया है, कोई ऐसी बात कही गई जो अपराध की परिधि में आती है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग के निर्देशन में तो ये एक दायित्व बन जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी का भी, और जो वीडियो अवलोकन टीम है उसका भी बन जाता है। तो वो FIR हुई, जो FIR हुई वो निर्देशन में हुई, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में, चाहे कह लीजिए चाहे जो RO हैं उनके निर्देशन में कह लीजिए, लेकिन वो FIR होने के बहुत पहले 48 घंटे पहले के करीब लगभग वो जो भाषण थे वो भाषण जो है कंप्यूटर में ऑलरेडी दर्ज हो गए थे, कंप्यूटर में ऑलरेडी संरक्षित हो गए थे। तो अगर उसके बाद अधिकारी कहते हैं कि FIR दर्ज कराओ तो एक निर्देशन है, उसने PW1 अनिल कुमार ने एक अभी जैसे कि आपने अच्छा ध्यान दिलाया, एक कोई वीडियो चल रही है प्रसारित हो रही है, थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं, दबाव में करवाया। अरे दबाव में कोई मर्डर का केस थोड़ी ना है कि पहले कोई दबाव दे दे जाकर के दर्ज करवा दो, ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दर्ज चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर में संग्रहित हैं। निर्देश है कि भाई इसके द्वारा अपराध किया गया है इस प्रकार का, इनके द्वारा जाहिर सी है बात है कि उसको ले जाकर के FIR दर्ज करो, ये तो निर्देश है, इसको किसी प्रकार के दबाव देने वाली बात की बात कहना बेकार हो गई है, बेकार होगी। और इसके द्वारा जो दबाव की बात गई है, शब्दों का चयन अब जैसे व्यक्ति कर पावे, वर्तमान में तो ये भी सुना गया है कि थोड़ा सा ये जो है अनिल कुमार जो है थोड़ी सी परेशान है किसी बात को लेकर के, तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और जो इनके द्वारा जो दर्ज कराया गया है वो पहले से संरक्षित डाटा के अनुक्रम में जो उसमें तथ्य थे उसके अनुसार कराया जाएगा, दबाव जैसी कोई स्थिति नहीं है, ये बेकार की बात है। ये भी खबरें आ रही हैं कुछ जगहों पर कि FIR वापस ले ली, ये मुकदमा वापस लिया नहीं, मुकदमा वापस लेने का काम राज्य सरकार का है, अगर कोई परिस्थिति पाती है तो राज्य सरकार मुकदमा वापस लेती है, वरना हर अपराध ऐसा जो होता है वो राज्य के विरुद्ध अपराध होता है, राज्य सबकी संपोषक है, कोई भी अपराध अगर होता है तो राज्य कहती है कि हम पैरवी करेंगे, और पैरवी करने के लिए विभिन्न लोगों को अलग अलग जगह पर लगाया हुआ है, तो राज्य के विरुद्ध अपराध है तो अगर वापस लेगी तो राज्य लेगी, और अगर एक बार FIR दर्ज हो जाता है तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ भी राज्य का कर्तव्य हो जाता है कि उसकी विवेचना के पश्चात अगर अपराध पाया जाता है तो उसको माननीय न्यायालय में विधि अनुसार प्रस्तुत करके उसका परीक्षण कराया जाए, विचारण कराया जाए। इस मामले ने विवेचना में ये पाया गया कि ये अपराध बन रहे हैं,
153(1)(b) के अपराध बन रहे हैं, 505(2) के अपराध बन रहे हैं, 125 जनप्रतिनिधि अधिनियम के अपराध बन रहे हैं। ऐसा पाया जाकर के आरोप पत्र प्रेषित हुआ, आरोप बना, गवाह प्रस्तुत हुए जो हो सकते थे, और उसके पश्चात एक जगह दंड पारित हुआ। और तो ये एक वापस लेने की बात तो कहीं से हो ही नहीं सकती, ये पता नहीं क्यों ऐसी अफवाहें तैर रही हैं, कोई वापस कैसे ले सकता है। अब तो ये न्यायालय में एक आदेश के बाद दूसरा आदेश आ गया है, दूसरे आदेश के खिलाफ अपील की तैयारी हो, ऐसे में किसी का कोई कानूनी प्रोविज़न नहीं है कि ऐसे इस तरह से कोई अपना वापस ले ले, ये केवल एक अफवाह की बात हो सकती है अगर ऐसा कोई प्रसारित हो रहा है तो। अच्छा सर, कोर्ट की कार्रवाई में कुछ ऐसी बातें भी नहीं कि तत्कालीन जो DM थे, जिलाधिकारी साहब थे, उनकी और आज़म खां के बीच में कोई पर्सनल एनिमिटी थी या निजी तौर पे कोई नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं। उनकी तरफ से डिफेंस के कुछ एविडेंस प्रस्तुत किए गए थे जिन्होंने जानबूझ करके इसको एक रंजिश का रूप देना शायद दिया हुआ है, कुछ ऐसा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर उस परिदृश्य में आप जानना चाह रहे हैं तो मेरी जो जानकारी है वो यह है कि तत्कालीन DM जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उनका निष्पक्ष शांतिपूर्वक चुनाव कराना काम था, चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुक्रम उनके द्वारा शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव कराया गया, कहीं किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद या कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी जिससे कि यह कहा जाए कि पूरा चुनाव शांतिपूर्वक नहीं हुआ। और यह भी बड़ी बात है कि उसमें मोहम्मद आजम खान साहब ही इसमें विजयी हुए थे, तो ऐसे में तो निष्पक्ष चुनाव था। चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी का काम होता है कि हर प्रकार की अलग अलग टीमें बना करके, कोई वीडियो अवलोकन टीम होती है, कोई खर्चा देखने वाली टीम होती है, कोई और टीम होती है, पर्यवेक्षक महोदय भी आते हैं, तमाम लोग रहते हैं, तमाम टीम बनाई जाती है। चुनाव के दिन तमाम मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो, चुनाव प्रचार भी शांतिपूर्वक हो। उसमें अक्सर प्रत्याशी का ये होता है कि वो अपने मनमाने तरीके से काम कर लें, मनमाने तरीके से काम करने में वोटरों को लुभाना, मनमाने तरीके से काम करने में तमाम बातें होती हैं जो जन सामान्य में सुनने में आता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और जिला निर्वाचन अधिकारी का काम होता है कि जो चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत चीज़ें हैं उसको कतई न आने दिया जाए, शांतिपूर्वक चुनाव हो और लोग शांतिपूर्वक अपने प्रत्याशी चुने, कोई ऐसी बात नहीं आवे जिससे कि चुनाव आयोग के निर्देशों का अतिक्रमण हो। तो इसमें किसी प्रकार से किसी से ये कहना कि रंजिश हो गई है ऐसी बात नहीं है। उनकी तरफ से अगर कोई प्रार्थना पत्र कहीं दिया गया है तो वो उनकी मर्जी, उनके द्वारा किन परिस्थितियों में क्यों दिया गया वो जाने, लेकिन निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में अंतिम रिजल्ट तो यही रहा कि शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न हुआ, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। ये चुनावी ये एक आपस का बैमनेस किस बात का, पब्लिक सर्वेंट होकर के काम करना है, उनको प्रत्याशी होकर के अपना चुनाव लड़ना है, हारना है जीतना है, इसमें छोटी मोटी बातें अगर कोई आती हैं तो उसका कानूनी रूप से निपटारा होता है। इसमें चुनावी रंजिश वाली बात की तो एक बेबुनियादी बात है, इसको तो एक वो देने की बात कही जा रही है कि रंजिश के कारण दो पक्षकार बना दिया गया है, रंजिश के कारण जो है मुकदमे दर्ज हुए, ऐसी बात नहीं है। ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं ये जो IPC में जो जनप्रतिनिधि अधिनियम में प्रावधान है, अगर ये प्रावधान IPC में न होते तो ये मुकदमे नहीं होते। IPC में प्रावधान है, कैसा कोई करेगा तो मुकदमा दर्ज होगा, विवेचना से चारों प्रस्तुत हुआ था माननीय न्यायालय में। तो अच्छा साहब, इसकी अपील में जाएंगे सरकार अब क्या करेगी? इसकी मजबूती के साथ अपील तैयार होगी, राज्य की तरफ से अपील आयोजित की जाएगी, जिला शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से, जिला मजिस्ट्रेट के महोदय के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में न्याय विभाग की तरफ से परीक्षण करने के पश्चात जाएगी। और बहुत तथ्यात्मक और बहुत विधिक पहलू इसमें हैं जिसका विश्लेषण, जिसका विवरण अपील में डाला जाएगा, अपील में याचिका में डाला जाएगा। और मेरे समझ से उन तथ्यों का इस स्तर पर सारी चीज़ों का उल्लेख करना वो ठीक नहीं होगा, वो एक हिडन चीज़ ही समझिए आप कि हम लोग क्या उसमें करेंगे। लेकिन तकनीकी रूप से ये निर्णय पारित हुआ है और ये निर्णय हम पूरी तरह से अन्यायोचित पाते हैं और हम इसके खिलाफ़ अपील में जाएंगे।